और इस बीच छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने नक्सलियों से हथियार और उनके कई सामान जब्त कर लिए। ये मुठभेड़ ओडिशा के रायगढ़ नवरंगपुर सीमा के जंगल में हुई। पुलिस को जंगल में नक्सली कैंप की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया और चार मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिन्हें चोरों ने देवरिया और बिहार के कई राज्यों से चुराया था। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। बताया गया कि हथियार दिखाकर ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे, जिसके बाद इन्हें बिहार और नेपाल में बेच दिया करते थे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए एक बयान पर बीजेपी भड़क गई। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर हमला बोला था और इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दे दिया। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर भी नहीं की। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे के बयान पर हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, खड़गे साहब की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा के दुराग्रह से है। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर खेद भी जाहिर किया। खड़गे ने कहा कि उनका बयान प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा के लिए था। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो पंजाब से मिल रही है वो आपको बता दें, जहां सभी जेलों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी की माने तो सभी जेलों को अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि आतंकी लखबीर सिंह संधू का एक इनपुट पुलिस के हाथ लग गया है, जिसमें पंजाब की जेलों में बंद लखबीर सिंह के साथियों को छुड़ाने की प्लानिंग चल रही है। और उधर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाइस्ता ने वहां पर अपने किसी वकील से संपर्क किया था और इस बात की भनक लगते ही यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली के करोल बाग और जामिया नगर पहुंची, लेकिन शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने वहां पर कई लोगों से पूछताछ भी की। आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता दिल्ली में सरेंडर कर सकती है, जिसकी वजह से एसटीएफ को शाइस्ता परवीन के भी दिल्ली में होने की आशंका है। जामिया, निजामुद्दीन, करोलबाग, बदरपुर, इन तमाम इलाकों में एक एक टीम लगातार छापेमारी कर रही है, कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसलिए एसटीएफ की एक टीम दिल्ली में मौजूद है, तो वहीं लखनऊ में भी शाइस्ता के किसी नेता से संपर्क करने का इनपुट मिला है। वहीं चिली से पेरू में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे प्रवासियों को पुलिस ने रोक दिया और जिसके बाद पुलिस और प्रवासियों के बीच झड़प हो गई। ये प्रवासी लंबे समय से चिली